अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे और खुश आबाद रखे। आज की वीडियो में मैं आपको अपना यहाँ पर जो अपार्टमेंट है वो आपको दिखाऊंगा। बहुत दिन पहले इस वीडियो को बनाने का सोचा था, लेकिन क्योंकि मैं चैनल पर एक्टिव नहीं था तो इसलिए वीडियो बनाई नहीं थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना अपार्टमेंट दिखाता हूँ। वो जो पीछे बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है उसी बिल्डिंग में है और फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ से उसकी खिड़कियाँ आपको नज़र आ भी रही होंगी, ये जो फर्स्ट फ्लोर पर खिड़कियाँ। तो चलिए चलते हैं और फिर आज आपको अपना जो है अपार्टमेंट विजिट करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये हो गई अपार्टमेंट की मेन एंट्रेंस, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर की यह ज़्यादा सही है, नहीं चढ़नी पड़ती, तो लिफ्ट के भी बिना भी जो है खासा प्रॉब्लम नहीं है। अगर सामान भी हाथ में उठाया तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से मेन एंट्रेंस आ गई, तो अब यहाँ से जो है मैं अंदर आता हूँ। तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ तक इसका छोटा सा एक पैसेज है, ठीक है। और यहाँ पे इसका इस तरफ अगर आ जाए तो यहाँ पर इसका स्टोर रूम है। स्टोर रूम मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा सामान बिखरा पड़ा हुआ, तो इसलिए मैंने उसको जो है छोटा मोटा सामान जो है यहाँ पर रख सकते हैं। जो अगर कोई बड़ा सामान आपका तो वो आप जो है नीचे इसका एक होता है बेसमेंट में, हर अपार्टमेंट में एक होता है वो अलॉट किया जाता है। तो उसमें आप बड़ा सामान अगर कोई फर्नीचर आइटम्स हैं या कुछ बैग्स वगैरह हैं तो वो वहां रख सकते हैं। तो यहां से अभी इधर आते हैं, तो ये मैं दरवाजा यहां से बंद कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो इस तरफ है वॉशरूम, तो इस तरफ था अब वॉशरूम। तो अब जो है चलते हैं इस तरफ। ये जो है मैंने छोटी सी अलमारी रखी हुई है जूते वगैरह रखने के लिए, क्योंकि बाहर रखना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर जो है इसके अंदर मैं जूते रख सकता हूँ। पैसेज की तरफ यहाँ पर आओ, तो पहली बात तो ये कि मैंने जो है यहाँ पर कारपेट जो है फुल कारपेट किया था अपार्टमेंट को, क्योंकि इसका फ्लोर जो है वो अभी जो अगर मुझे वीडियो अभी आप देखोगे कि अगर उसकी पुरानी वीडियो मिलती है तो आपको जो है वीडियो के बीच में दिखाऊंगा कि अपार्टमेंट पहले कैसे था, ये सारी सेटिंग करने से पहले। तो अगर वो मिलती है तो मैं लगाऊंगा। यहाँ पर कुछ डेकोरेशन भी इसमें थोड़े बहुत लगाए थे कि दीवार जो है बिल्कुल खाली मत लगे, क्योंकि मुझे इतना खास आइडिया तो नहीं है, लेकिन चलो जितनी मुझे समझ आई उतने मैंने लगा दिए। तो जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो इसके बाद हमारे पास अब तीन मजीद जगह है। एक है हमारा लिविंग रूम जो कि इस तरफ मेरे लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो है वो है किचन, ठीक है। ये दरवाजा आपको नजर आ रहा होगा, और ये जो पीछे है वो बेडरूम है, क्योंकि ये टू रूम अपार्टमेंट है तो यहाँ पर टू रूम कंसिडर किया जाता है, एक लिविंग रूम और एक बेडरूम को भी जो है, मतलब ये दोनों को एक जो लिविंग रूम है उसको प्रॉपर एक रूम कंसिडर करते हैं। हमारे कंट्रीज में तो जो बेडरूम्स होते हैं उन्हें को रूम कंसिडर किया जाता है। तो अब जो है आपको मैं जो है आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लिविंग रूम। तो चलिए यहाँ पर रूम के अंदर हम जब जाते हैं तो लिविंग रूम का साइज जो है मतलब एक एक आदमी के लिहाज से मेरे ख्याल से काफी अच्छा साइज होता है इसका। ये भी बिल्कुल खाली था, मतलब इसके अंदर बिल्कुल कोई कारपेट वगैरह कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जैसे जैसे सीमेंटेड फ्लोर होता है वो था। इसके अंदर आओ तो सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड से हम शुरू करें तो यहाँ पर है, इसको आप वर्क स्टेशन कहो, स्टडी कॉर्नर कहो, कुछ भी, मतलब ज्यादातर तो मैं यहाँ पर म्यूजिक ही सुनता हूँ, लेकिन मतलब फिर भी जो है अगर कोई काम वगैरह करना हो तो ये उसके लिए, यहाँ पर अगर कोई वीडियो वगैरह एडिट करनी हो तो वो भी चलो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इससे आगे आए तो यहाँ पर जो है नीचे कुछ बुक्स रखी हुई हैं जो कि कुछ पढ़ी हुई हैं, कुछ अभी मैंने पढ़नी है, यहाँ पर बुक्स हैं। और इससे आगे जाया जाए तो ये कॉर्नर आ गया इस तरफ, और फिर यहाँ पे ये एक गिफ्ट था बहुत अच्छी, मुझे फोटो मिली थी तो ये मैंने यहाँ पर लगाई, मस्जिद की है इस्तांबुल में शायद ये मस्जिद, उसकी फोटो बहुत अच्छी मुझे मिली थी वो मैंने लगाई। फिर यहाँ से एक कॉर्नर सोफा मैंने यहाँ पर लगाया, मतलब इसका कलर मुझे अच्छा लगा था, ग्रे कलर, मतलब इसलिए होता है कि ज्यादा इसके पर डस्ट वगैरह नजर नहीं आती, वैसे तो यहाँ पर डस्ट ज्यादा है भी नहीं, लेकिन चलो अगर हो तो जो है ज्यादा फील नहीं होती, और वैसे कारपेट के साथ थोड़ा मैच भी कर रहा था तो मैंने इसलिए ग्रे कलर का जो है सोफा ले लिया था। कर्टन्स के कलर्स और मतलब जो भी है कॉम्बिनेशन वगैरह खुद ही मैं सोचता रहा, पता नहीं अच्छा लग रहा है बुरा, ये आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो मुझे खुद ठीक लगा मैंने चूज किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर उसके ऊपर मैं बैठ के वैसे कम ही खाता हूँ, ज्यादातर मैं नीचे बैठ के खाता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा मिल रहा था तो मैंने कहा चलो एक तो जगह अच्छी कवर हो जाएगी और प्लस जो है मतलब ठीक है थोड़ा अच्छा लगता है, अगर कोई दोस्त वगैरह आ जाए तो चलो बंदा बैठ के खाना खा सकता है, क्योंकि सारे लोग नीचे बैठ के खाना खाने में कंफर्टेबल नहीं होते। और इसके साथ जो ये कर्टन था ये मैंने इसका लगा इसलिए चूज किया, क्योंकि बहुत हैवी कर्टन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथ ही खाना खाता है बिल्कुल अंधेरा सा फीलिंग आती है, तो इसलिए उसके साथ बिल्कुल लाइट सा रखा था, नेट वाला कर्टन मैंने यूज किया था। और फिर अगर इस तरफ आ जाते, ये मुझे अपने रूम की जो है सबसे अच्छी चीज़ लगती है, ये मैंने लिया था और मतलब बहुत अच्छी प्राइस पे मुझे मिला था, एक फैमिली थी तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको मतलब संभाल के रखा हुआ था, उनके पता नहीं किस उनके भी जाके से फादर ने या ग्रैंड फादर ने लिया था, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। ये ऊपर कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखी थी एज अ डेकोरेशन पीस, जहाँ जहाँ से मुझे मिलती रही वहाँ वहाँ से मैं लेता रहा, ये इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है तो ये मैंने ली थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पौधा नॉर्मली मैं रखता नहीं होता, लेकिन नॉर्मली अगर मैं रखूंगा तो आर्टिफिशियल ही रखूंगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ये रख लिया जाए।
अच्छा ये तो आ गया इस तरफ। अच्छा फिर यहां से बैल्कनी का दरवाजा भी है आयर, अगर आपने जाना हो। नॉर्मली जिस मैं जो है कंपनी के अपार्टमेंट्स हैं उनके हर अपार्टमेंट में बैल्कनी जरूर होती है, मस्ट है। तो यहाँ पर आज बाहर आ जाए तो एक छोटी सी बैल्कनी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मतलब अगर आपने सिर्फ बैठना है या शाम के टाइम या दिन के टाइम किसी भी टाइम बाहर आना है तो दो चेयर इसमें इजीली लग सकती हैं। और अगर आपने कपड़े वगैरह धोए हैं, अगर वो आपने सुखाने हैं, तो उसके लिए मैंने एक फ्रेम भी रखा हुआ है, तो मतलब उसके लिए भी इनफ स्पेस होती है। चेयर आपको साइड भी करनी पड़ेंगी और फिर जो है ये बैल्कनी का जो है इतना सा एरिया है। अच्छा यहाँ बैल्कनी से अगर बाहर देखा जाए तो व्यू मुझे यहाँ का बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये भी आप देख रहे होंगे दरख्तों से जो है पत्ते झड़ना शुरू हो गए हैं, सामने लग रहा था देख रहे हैं, जैसे इसमें नीचे पत्ते ज्यादा गिरे हुए हैं ऊपर कम है। तो ये जो क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं तो ये बिल्कुल वक्त के साथ साथ जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये पीछे कुछ जो है पार्किंग प्लेसेस हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। वैसे मैं तो फ्रंट साइड पर करता हूँ लेकिन यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। तो इसका व्यू जो है यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम में अक्सर यहाँ पर बाहर आता हूँ। तो ठीक है यहाँ पर तो हो गया, तो चलिए आप जो है अंदर की तरफ चलते हैं। अच्छा ये तो अच्छा एक और चीज जो मैं जर्मनी में आया था तो मैंने नहीं देखी थी, पता नहीं आप लोगों ने शायद देखी होगी, बट मैं जब जर्मनी आया था मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी कि यहाँ के जो दरवाजे हैं या जो खिड़कियां भी हैं वो हमारा तो हमारे कंट्रीज में तो होता है या तो बंद रहेंगे या फिर जो है खुल जाएंगे। लेकिन इसमें चलो एक और ऑप्शन भी होता है कि इसमें आप इसको अगर एज अ जस्ट वेंटिलेशन के लिए थोड़ा बहुत यूज करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी खोल सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम जब मैंने खोला था मेरे का शायद ऊपर ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आगे रुक जाता है ये। तो ये यहाँ पर खिड़कियां और दरवाजे सारे नॉर्मली मेरे ख्याल से जो बाहर की तरफ है, मतलब ये नहीं कि रूम के अंदर के दरवाजे वो भी ऐसे खुलेंगे, वो नहीं ऐसे खुलते, सिर्फ ये चीजें जो ऐसे खुलती हैं। लेकिन नॉर्मली मैं इसको बंद ही रखता हूँ तो इसमें ऐसे ही रहता है। तो ये था सारा लिविंग रूम, मेरे ख्याल से मैंने सारी जो है चीजें बता दी। और अब जो हम चलते हैं किचन की तरफ, अब हम चलते हैं किचन के अंदर। और किचन काफी कहते हैं कि बिल्कुल सिंपल सा किचन है, बहुत ज्यादा वेल इक्विप्ड किचन नहीं है, ना आपको बहुत सारे रैक्स इसमें नजर आएंगे, थोड़े बहुत ही हैं लेकिन मेरे ख्याल से मेरी जरूरत के लिए जो है वो इनफ है। तो यहाँ से अंदर आए, ये किचन भी ऐसा मैंने खुद बनाया था, मतलब ये खुद से डिजाइन किया था। जब ये अपार्टमेंट लिया था तो जस्ट एक रूम था, बल्कि जब मैं लेने आया तो उसने मुझे कहा कि ये किचन है, तो इसमें मैंने कहा किचन में तो बात हुई इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें ना कोई रैक्स ना कोई सिंक कुछ भी नहीं था। तो ये सारा कुछ जो है बाद में लगाया गया, तो ये लगाया सिर्फ एक साइड पर ही है, बैक साइड पर मैंने इतना खास कुछ नहीं लगाया क्योंकि मेरे लिए यही काफी है। तो ये छोटा सा किचन है, इसमें सामान तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि मैं खुद जो है कुकिंग में बहुत कम करता हूँ, ज्यादातर बाहर से खा लिया या कभी कभार यहाँ पर जो है कोई छोटी मोटी चीज बना ली, तो कुकिंग जो है मैं बहुत कम करता हूँ, तो इसलिए चीजें यहाँ पर जो है कम ही रखी गई हैं, बल्कि मोस्टली चीजें आपको खाली नजर आएंगी। यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा सामान घर का रखा होता है, और यहाँ से आपको बाहर का व्यू अच्छा सा नजर आएगा। तो ये इसकी जो है फ्रंट साइड है, ये जो रोड है जहां से जो है एंट्रेंस है मेन बिल्डिंग की, तो मैं जो है गाड़ी वाला वहीं पर पार्क करता हूँ। जैसे कि आप बाहर रोड्स पे देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो पत्ते गिर चुके हैं, बिल्कुल रोड पूरी कवर्ड है। ये भी तो फिर काम है, अभी थोड़ा और ज्यादा होगा। तो ये इसका बाहर का काफी अच्छा व्यू है। इसके ऊपर मैंने कर्टन लगाना है, अभी तक नहीं लगाया क्योंकि अभी मुझे खास आइडिया भी नहीं है, और साथ इसके क्योंकि इसके ऊपर दूसरी तरह के कर्टन लगते हैं इन पिंस की वजह से, तो वो मैंने कर्टन अभी नहीं लगाया। ये भी क्योंकि कुछ कुछ काम अभी इस घर में जो है बाकी भी हैं, जिसमें से ये भी है। तो ये था किचन, किचन में ऐसा कुछ खास दिखाने वाला नहीं है, लेकिन ये था कि ये एक छोटा सा सामान था। और ये फ्लोर जो है किचन का, ये भी खुद लगाया गया था, ये पहले जो ऐसा नहीं था, बिल्कुल अगेन सेम फ्लोर था, कारपेट भी बाद में लगाई गई थी ताकि जब आप यहाँ पर कुकिंग वगैरह करें तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो चलो आप कारपेट को उठा के जो है धो भी सकते हैं, लेकिन इस फ्लोर को उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये तो हो गया किचन, अब जो एक ही चीज बची है वो है बेडरूम, तो इसके बाद जो है हम वहां चलते हैं। चलिए तो अब जो हम अपने लास्ट चीज की तरफ चलते हैं वो है बेडरूम, तो चलिए आ जाए। ये हो गया, ये तरह छोटे साइज का, बहुत बड़ा बेडरूम नहीं है लेकिन फिर भी इनफ है कि बेड रखने के डबल बेड रखने के बावजूद आपके पास जो है काफी स्पेस है दोनों तरफ बेड की तरफ जाने के लिए। तो हम यहां से शुरू करते हैं। इस तरफ एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, और एक्चुअली में प्रॉपर ड्रेसिंग टेबल है भी नहीं, ये जो है नीचे दो ड्रॉर है और ऊपर ये जो शीशा है ये अलग से था, तो ये मैंने खुद ही एक सेट बना लिया, ये खाली इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये उसके ऊपर कोई अटैच नहीं हुआ, ये तो ये अलग से ही है। और फिर यहाँ से आ गया तो ये एक छोटा सा टेबल है जिसके ऊपर मैंने वैसे कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है और बीच में कुछ जरूरत की चीजें, ठीक है। और इस तरफ फिर आया जाए तो ये साइड टेबल है बेड के दोनों तरफ। और मैं जो है जब मतलब आया था तो यहाँ पर दूसरे तरह की बेडशीट्स होती हैं वो बहुत सिंपल वाली, ये जब पिछले महीने या पिछले से पिछले महीने मेरे फैमिली से आए थे, अम्मी आई थी और मेरे बड़े भाई आए थे, तो ये बेडशीट अम्मी जो है लेकर आई थी, ये उस टाइम मैंने जो है यूज़ की थी।
अच्छा इस तरफ आया जाए तो ये कबर्ड्स हैं इस तरफ, ये कबर्ड एक्चुअली ये फोल्डेबल कबर्ड्स हैं इस तरह, ये मैंने स्पेशल जो लकड़ी वाली यूज नहीं की। पहली बात तो ये कि उनको जो है लाना और जोड़ना असेंबल करना बहुत मुश्किल होता है, ये आप मेरे ख्याल से घंटे एक घंटा या दो घंटे लगाएं तो ये आप असेंबल आराम से कर सकते हैं, और लाइट भी बहुत ज्यादा होती है, आप इसको दो बंदे आराम से इसको उठा सकते हैं कपड़ों के साथ। तो ये जो है मैंने एक्चुअली मैंने एक लेनी थी लेकिन पीछे दो इसलिए ली क्योंकि कपड़े बार बार जो है हैंग हुए रहे तो मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रहते हैं, क्योंकि बार बार उनको फोल्ड करके रख दो फिर दोबारा प्रेस करो तो बहुत लंबा काम हो जाता है जब भी पहनो, तो बेहतर यह कि हैंग हुए रहे। तो इस तरफ कुछ शर्ट्स हैं, उस तरफ बाकी कपड़े वहां पर हैं, तो ये दोनों कबर्ड्स हैं ये इस काम के लिए। वैसे मुझे लग रहा है कि अब ये भी शायद जगह कम हो गई है, लेकिन चलो जब तक काम चल रहा है, क्योंकि अब सर्दियों की वजह से जो है अब जैकेट्स भी बीच में आ गई हैं, तो इस वजह से इन्होंने काफी जगह जो है ले ली है। अच्छा तो अगर इस तरफ आए एंड में तो ये अगेन वही बाहर वाली साइड है जो आपको फ्रंट व्यू नजर आता है जो मेन रोड का, ये वही है। तो अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी जाओ, लिविंग रूम में जाओ, बेडरूम में जाओ, या किचन में, या इवन के वॉशरूम में भी, तो आपको हर जगह एक बड़ी जो है बड़े साइज की खिड़की मिलती है, तो मतलब आपको जो है व्यू हर जगह से नजर आ जाता है, और वेंटिलेशन तो है ही है। तो ये एक छोटा सा बेडरूम था। घोड़ों वाली पिक्चर मुझे हमेशा से अच्छी लगती है बेडरूम में, तो इसलिए मैंने ये लगाई थी, और अच्छा साइज एक मीडियम साइज लगाई थी ताकि बहुत बड़ी भी ना हो बहुत छोटी भी ना हो, तो इस वजह से लगाई थी। तो ये था एक छोटा सा जरा बेडरूम। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी सारी जो है सारी चीजें जो है मैंने कवर कर ली हैं। तो अब ये था मेरा छोटा सा अपार्टमेंट, और ये मैंने लिया था एक्चुअली 3-4 महीने पहले, लेकिन क्योंकि मैं घर के कामों की वजह से और ऑफिस की वजह से थोड़ा बिजी था, तो इसलिए मैंने, वैसे भी मैं चैनल पे एक्टिव ही नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। तो लेकिन जो है अब फिर दोबारा अगर वीडियो बनाई है तो मैंने कहा चलो 3-4 महीने पहले ही से, लेकिन चलो वीडियो तो बनाई जा सकती है, अपार्टमेंट दिखाया जा सकता है। तो अगर भी आपको कोई सजेशंस वगैरह हो, रिकमेंडेशंस हो इस अपार्टमेंट को लेके, तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरे ख्याल से तो चलो जो मैं जितने मुझे समझ थी या अकल थी उसके मुताबिक मैंने कर दिया, मजीद इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह इसमें करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को पे यहाँ पर खत्म करते हैं, और इस वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा ट्रेलर दिखाया जाएगा जिसमें अपार्टमेंट जो है मेरे इस बोलने के अलावा जो है दिखाया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।